80s के दशक में श्रीदेवी का चार्म खूब जोरों पर था, जबकि संजय दत्त ने उस वक्त अपने करियर की शुरुआत ही की थी। दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई कनेक्शन नहीं था। बावजूद इसके श्रीदेवी और संजय दत्त ने आज तक कभी एक दूसरे के साथ काम नहीं किया। क्या आप जानते हैं कि ऐसा हुआ क्यों? दरअसल इसके पीछे बड़ी वजह है। 1983 में हुआ वो वाकया जिसने श्रीदेवी को हिला कर रख दिया था। उसके बाद उन्होंने कभी संजय दत्त के साथ काम नहीं करने की कसम खाई। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी एक फिल्म से संजय को निकलवाने तक का फैसला कर लिया था। ये बात तब की है जब श्रीदेवी फिल्म हिम्मत वाला की शूटिंग कर रही थी। संजय दत्त श्रीदेवी के बड़े फैन थे। जैसे ही उन्हें उनके दोस्त ने खबर दी कि श्रीदेवी जितेंद्र के साथ हिम्मत वाला की शूटिंग कर रही है, वो बिना देर किए ही श्रीदेवी को देखने सेट पर पहुंच गए। उन दिनों संजय दत्त का वक्त अच्छा नहीं चल रहा था। उन्होंने खूब शराब पी रखी थी और ड्रग्स भी ले रखे थे, और उसी हालत में उन्होंने फिल्म के सेट पर जाकर श्रीदेवी से मिलने का फैसला कर लिया था। सेट पर जब श्रीदेवी नहीं दिखी तो संजय दत्त ने वो कदम उठाया जिसकी वजह से श्रीदेवी को गुस्सा आया। नशे में धुत संजय दत्त पर श्रीदेवी से मिलने का भूत इस कदर सवार था कि वो दंदनाते हुए श्रीदेवी के कमरे में ही घुस गए बिना नॉक किए। श्रीदेवी को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसे कोई धम से उनके कमरे में घुस जाएगा, वो भी ऐसी हालत में। संजय दत्त ने इसका जिक्र एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में भी किया था। संजय दत्त के मुताबिक उन्होंने कमरे में घुसकर श्रीदेवी को क्या बोला और उनके साथ कैसे बिहेव किया वो उन्हें याद नहीं, लेकिन बर्ताव से श्रीदेवी बुरी तरह से डर गई थी। कमरे का दरवाजा बंद कर दिया था उन्होंने। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।